आज हम बनाएंगे दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे। सबसे पहले भटूरों के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने 2 कप जितना मैदा लिया है, 3 से 4 चम्मच जितनी सूजी लेकर उसे गर्म पानी में 5 से 7 मिनट के लिए भिगो दिया था, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक, चीनी, दही और कुकिंग ऑयल। चलिए जल्दी से भटूरों के लिए डो रेडी करते हैं। एक परात लेकर उसमें मैदा लें, उसके बाद इसमें जो सूजी हमने भिगोई थी उसको डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा डालेंगे, हाफ टी स्पून जितना बेकिंग पाउडर डालेंगे, आधा टेबल स्पून चीनी, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 से 1.5 चम्मच जितनी कर्ड डालेंगे। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें। और पानी की सहायता से सॉफ्ट डो बना लें। सॉफ्ट डो हमने गूंद लिया है। ये याद रखें कि डो हमेशा सॉफ्ट ही बनाना है भटूरों के लिए। अगर हम ज्यादा हार्ड बनाएंगे तो हमारे भटूरे जब हम बेलेंगे तो वो दोबारा से श्रिंक हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लें और इसे भी साथ में मिक्स करें। यहां हमने डो को गूंदना नहीं है, बस 15 से 20 बार इस तरह से डो को फेंकना है। इसके बाद बस डो को आप रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए ढककर छोड़ दें। जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम अपने छोले रेडी कर लेते हैं। छोले बनाने के लिए रात को ही 1 कटोरी छोले मैंने पानी में भिगो दिए थे और सुबह उन्हें नमक और 1 चम्मच ऑयल के साथ उबाल लिया था। 2 मीडियम साइज के प्याज लेकर उसे रफली चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर को अच्छे से बारीक चॉप किया है। यहाँ कुछ होल स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें 1 मोटी इलायची, 2 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च और 1 हरी इलायची, जीरा, हींग, अजवाइन, 2 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ कटी हुई हरी मिर्च और 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च, रोस्टेड कसूरी मेथी, क्रश किया हुआ सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और कुकिंग ऑयल। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं छोले बनाना। यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें सबसे पहले 3 से 4 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसके बाद इसमें हाफ टेबल स्पून जितना जीरा डालेंगे, साथ ही होल स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें अजवाइन डालेंगे, हाफ टी स्पून। अजवाइन का यूज छोले राजमा बनाते टाइम जरूर करें, ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। साथ ही इसमें 1 चुटकी जितनी हींग डालेंगे।
इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लें। इसके बाद इसमें चॉप किए हुए अनियन डालेंगे। अनियन डालने के बाद इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने दें। अनियन लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। यहाँ अदरक लहसुन को मैंने बारीक चॉप किया है, आप पेस्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं। अब इसे भी प्याज के साथ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अनियन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज पर 1 टीस्पून जितनी हल्दी डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून जितनी देगी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर डालेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें बारीक पेस्ट बनाए हुए टमाटर को डालेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक हमारा टमाटर ऑयल नहीं छोड़ जाता। साथ ही इसमें 1/2 टेबलस्पून जितना नमक डालेंगे और फिर अच्छे से इसे धीमी आंच पर भून लेंगे। टमाटर ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, क्रश सूखा धनिया और आमचूर डालेंगे, डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें बॉईल किए हुए चनों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिनट इसे ऐसे ही मसाले में भूनते रहे। इसके बाद इसमें जिन पानी में हमने छोले बॉईल किए थे वो पानी ऐड करके 10 से 15 मिनट तक ढककर इसे पका ले, जिससे चने और पानी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जितनी रोस्टेड कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें हरा धनिया डालकर फिनिशिंग दें। छोले हमारे बन चुके हैं। गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम भटूरों की तैयारी करते हैं। भटूरों का आटा हमारा 1 घंटे तक रेस्ट पे जा चुका था। अब इस पे इसके हम लोइयां बनाएंगे। उसके लिए प्लेन सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और आटा लेकर इसे इस तरह से रोल करें। रोल करने के बाद इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लें। लोइयां बनाने के बाद इस पे हल्का सा मैदा डस्ट ऑफ करें। सभी लोइयां तैयार कर लीजिए। चलिए इसे बेलते हैं।
हल्का सा मैदा डस्ट ऑफ करके इसे इस तरह से पहले फैला लें। उसके बाद भटूरे की शेप में इसे आप बेलें। देखिए इस तरह से इसे बेल लीजिए। अब कढ़ाई में तेल गरम कर इसे फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर अपने भटूरों को फ्राई करेंगे। जिस तरह से मैं फ्राई कर रही हूं उसी ढंग से आप अपने भटूरों को फ्राई कर लें। दोनों तरफ से अच्छे से देखिए भटूरा हमारा अच्छे से फूल चुका है। अगर आप मेरे मेथड के अकॉर्डिंगली बनाएंगे तो आपके भटूरे भी फूले फूले बनेंगे। इसी ढंग से सभी भटूरों को तल लीजिए। लीजिए रेडी हैं स्ट्रीट स्टाइल छोले भटूरे। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें।